नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण पर, और संधि प्रकरण में हम संधि, अर्थ, परिभाषा आदि पर विचार कर चुके थे। और जो स्वर संधि के जो प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, उसमें से स्वर संधि पर हम बात कर रहे थे। और स्वर संधि का जो प्रकार है, दीर्घ संधि पर हम बात कर चुके थे। हमारी चर्चा चल रही थी गुण संधि पर, और गुण संधि पर यह हमारी अंतिम चर्चा होगी। गुण संधि की परिभाषा के संदर्भ में हमने आपको बताया था कि गुण संधि वहाँ होती है जब दो भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के बीच संधि होती है, और उसका परिणाम ये होता है कि मिलने वाले दो स्वरों से भिन्न गुण वाला स्वर, एक नया स्वर उत्पन्न होता है, विकार स्वरूप। वहाँ पर गुण संधि होती है, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर या ध्वनि, दोनों भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वर होते हैं। जब ये दोनों की संधि होती है तो एक नए स्वर का, दूसरे ही स्वर का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए ए और ई अगर मिलते हैं तो ए बनेगा। इस प्रकार से हम गुण संधि पर बात कर रहे थे, और गुण संधि के कई सारे उदाहरण हम देख चुके हैं। ये गुण संधि पर हमारी अंतिम चर्चा है, तो चलिए देखते हैं गुण संधि के और बाकी कितने और कौन कौन से उदाहरण बाकी है। हमारा प्रयास यह है कि आपके सामने अधिक से अधिक शब्दों को रखा जाए, और आप ये पूरी तरह से अवधारणा से समझ सकें कि संधि क्या है और किस शब्द में कौन सी संधि है, और किसी भी शब्द में संधि को कैसे पहचानते हैं। क्योंकि संधि विच्छेद करके और फिर संधि करके देखा जाता है कि कौन से वर्ण आपस में मिल रहे हैं और उसका क्या परिणाम, क्या विकार उत्पन्न हो रहा है, किस प्रकार का विकार उत्पन्न हो रहा है, उसी से हम संधि को पहचानते हैं। तो देखिए, इसमें गुण संधि के अंतर्गत आ और ई दोनों जो ध्वनियां हैं वे अलग स्थानों से उच्चारित होने वाली है, मुख विवर में अलग अलग स्थानों से उच्चारित होती है, और इन दोनों के संयोग से ए ध्वनि बनती है, ए ध्वनि का निर्माण होता है। जैसे रमा और ईश दो अलग अलग शब्द हैं, इन दोनों में संधि हुई तो आ और ई मिलकर के ए हो जाते हैं, और रमा और ईश का हो गया रमेश। महा, उसी तरह से महा धन ईश्वर हो गया महेश्वर। इन दोनों शब्दों में गुण संधि है। उसी तरह से दूसरा शब्द है राका प्लस ईश, राकेश। आ प्लस ई बराबर ए, ये हुई गुण संधि। फिर दूसरा शब्द है गुड़ाका, ईश, गुड़ाकेश अर्थात शिव। आगे
दूसरे उदाहरण देखते हैं दूसरी ध्वनियों के। अ या आ प्लस उ या पड़ा अगर होगा तो यहाँ ओ स्वर का निर्माण होगा। उदाहरण देखिए, स्व उपार्जित, स्व उपार्जित, अ प्लस उ बराबर ओ, स्व पार्जित, स्व पार्जित। फिर दूसरा शब्द है दर्प उक्ति, दर्पोक्ति, ओ वर्ण का निर्माण हो रहा है विकार स्वरूप संधि स्वरूप, और इसीलिए यहाँ पर गुण संधि है। भय धन प्लस उत्पादक, भय उत्पादक, यहाँ पर गुण संधि है। फिर आगे देखिए, वैर उद्गार, वैरोद्गार, प्रेम उन्मत्त, प्रेमोन्नमत, पुष्प उपहार, पुष्पोपहार, पुष्प उपहार, पुष्पोपहार। इन सब शब्दों में क्या हो रहा है, अ देखिए, इन सब शब्दों में क्या हो रहा है, अ प्लस उ बराबर ओ बन रहा है। और गुण संधि का उदाहरण यह है कि दो भिन्न स्थानों पर, दो भिन्न स्थानों से उच्चरित होने वाले स्वर जब मिलते हैं तो एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, नया स्वर बनता है, तो वहाँ पर गुण संधि होगी, स्वर स्वर संधि का उपविभाजन गुण संधि होगी। और इन्हीं शब्द, इन सभी शब्दों में ऐसा दिखाई दे रहा है, वैरोद्गार, प्रेमोन्मत्त, पुष्पोपहार। चलिए आगे देखते हैं, रोग उपचार, रोग, रोग उपचार, रोगोपचार, अ प्लस उ बराबर क्या हो गया, ओ। अगर ऐसा होता है तो वह गुण संधि होगी। उसी तरह से आनंद, उसी तरह से आनंद उत्कर्ष, आनंदोत्कर्ष, अ द का अ प्लस उ बराबर ओ, आनंदोत्कर्ष। उसी तरह से दुग्ध उपजीवी, दुग्धोपजीवी, उसी तरह से जीर्ण उद्धार, जीर्णोद्धार, यहाँ पर भी अ धन उ बराबर ओ बन रहा है, जीर्णोद्धार। उसी प्रकार से ज्ञान प्लस उदय बराबर ज्ञानोदय, पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम, अंत्य उदय, अंत्योदय। संधि को जानने या संधि विच्छेद करने का जो मूल मंत्र है, नियम तो आप समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी के शब्दों का, उनकी धातुओं का, उनकी मूल रूप का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि इसमें दो शब्द कौन कौन से हैं और उनको अलग कैसे किया जाएगा। अब देखिए, पुरुष उचित, पुरुषोचित, शाक उपजीवी, शाकोपजीवी, मद उन्माद, मदोन्माद, वीर उचित, वीरोचित, भाव उदय, भावोदय, आद्य उपांत बराबर आद्योपांत। देखिए इसमें आद्योपांत, आद्योपांत। तो इस प्रकार से इन सभी उदाहरणों में अ
प्लस उ के अ प्लस उ के योग से संयोग से संधि से ओ स्वर बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर गुण संधि है। चलिए आगे देखते हैं। प्राप्त उदक, प्राप्त उदक, प्राप्तोदक, पूर्व उक्त पूर्वोक्त, पश्चिम उदय पश्चिम उत्तर पश्चिमोत्तर, पश्चिम उत्तर पश्चिमोत्तर, व्यंग उक्ति व्यंग्योक्ति, धन उपार्जन धनोपार्जन, उसी तरह से प्राण उत्सर्ग प्राणोत्सर्ग, हत उत्साह हतोत्साह हतोत्साह। इसमें क्या हो रहा है, अ प्लस उ बराबर ओ हो रहा है, तो प्राप्तो, प्राप्त का क्या हो गया प्राप्तो। उसी तरह से पूर्व उक्त, पूर्व का क्या हो गया पूर्वो, पश्चिम उत्तर म, म का अ प्लस उ बराबर ओ, इसमें भी ओ बन रहा है, धन उपार्जन इसमें भी व्यंग्योक्ति में भी धनोपार्जन में भी प्राणोत्सर्गम में भी और हतोत्साह में भी, अतः यहाँ पर गुण संधि है। आगे देखिए, व्यंग उक्ति व्यंग्योक्ति, पूर्व उत्तर पूर्वोत्तर, अन्य उक्ति अन्योक्ति, नव उदित नवोदित, आत्म उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग, मरण उपरांत मरणोपरांत, प्र उत्साहन प्रोत्साहन, फिर दूसरा देखिए, हित उपदेश हितोपदेश, रस उद्रेक रसोद्रेक। यहाँ पर इन सभी शब्दों में प्रथम शब्द का की जो अंतिम ध्वनि है वह अ है, और जो दूसरी दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि है वह उ है, और इनसे के विकार इनके इनमें संधि होने से विकार स्वरूप ओ ध्वनि का निर्माण हो रहा है, इसीलिए यह स्वर संधि है, और स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि है। गुण संधि इसलिए है कि दोनों अ और उ दोनों अलग स्थानों से उच्चरित होने वाले स्वर है, और इनसे इनके संयोग से जो शब्द बन रहा है वह ओ है, इन दोनों से भिन्न है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि है। आगे देखिए, रस उत्पत्ति, रस उत्पत्ति रसोत्पत्ति, ग्राम उत्थान ग्रामोत्थान, अन्य उदर अन्योदर, प्रश्न उत्तर प्रश्नोत्तर, चरम उत्कर्ष चरमोत्कर्ष, चित्र उपम चित्रोपम, मुख उपाध्याय मुखोपाध्याय। यहाँ पर भी अ प्लस उ के योग से ओ स्वर या ओ ध्वनि आ रही है या कि निर्मित हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी
चलिए विद्यार्थियों अगला पेज देखते हैं। सह उदर सहोदर अन्याय उपाय अन्यो अन्यान्योपाय उत्तर उत्तर उत्तरोत्तर मंत्र उच्चार मंत्रोच्चार स्वातंत्र उत्तर स्वातंत्र्योत्तर स्वातंत्र्योत्तर स उदाहरण का सोदाहरण। इन सभी में दो स्वरों के दो भिन्न स्थानों से उच्चरित होने वाले शब्दों स्वरों के मेल से ओ स्वर बन रहा है। अगला उदाहरण देखिए आगे के मद उन्मत्त मदोन्मत्त समास उक्ति समासोक्ति अतिशय उक्ति अतिशयोक्ति लंब उदर लंबोदर कंठ उपनिषद कठोपनिषद कठ उपनिषद कठोपनिषद यज्ञ उपवीत यज्ञोपवीत धीर उदात धीरोदात पर उपकार परोपकार लोक उक्ति लोकोक्ति उसी तरह से आगे देखिए कथ कथ उपकथन कथोपकथन सर्व उत्तम सर्वोत्तम बाल उचित बालोचित पद उन्नति पदोन्नति मानव उचित मानोचित नव उत्पल नवोत्पल धीर उद्यत धीरोदात धीरोदत्त प्रवेश उत्सव प्रवेशोत्सव जन उपयोगी जनोपयोगी। इन सभी शब्दों के अंदर अ प्रथम शब्द का अंतिम प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि उ है और इनसे ओ ध्वनि का निर्माण हो रहा है। इन दोनों के योग से ओ ध्वनि का निर्माण हो रहा है इसलिए यहाँ पर गुण संधि है। आगे देखिए हर्ष उल्लास हर्षोल्लास स उत्साह सोत्साह सूर्य प्लस उदय सूर्योदय नील उत्पल नीलोत्पल मासोत्तम मास प्लस उत्तम दर्शन उत्सुक दर्शनोत्सुक ईश उपनिषद ईशोपनिषद मित्र उचित मित्रोचित सोल्लास। इधर देखिए दलित उत्थान दलितोत्थान रहस्य उद्घाटन रहस्योद्घाटन। इन सभी शब्दों में गुण संधि है। फिर है भाग्य उदय भाग्योदय। आगे देखिए फिर भी उदाहरण उन्नत उदर उन्नतोदर भाव उद्रेक भावोद्रेक नव उन्मेष नवोन्मेष पुष्प उद्यान पुष्पोद्यान अवसर उचित अवसरोचित वेद उक्त वेदोक्त प्राण उत्सर्ग प्राणोत्सर्ग सर्व ऊपरी सर्वोपरि दीप उत्सव दीपोत्सव भाव उद्दीप्त भावोद्दीप्त नव उदय नवोदय हिम उपल हिमोपल। इस प्रकार से इन सभी शब्दों के अंदर गुण संधि है और गुण संधि के लक्षण हम बता चुके हैं उसके आधार पर हम इन शब्दों में पहचान सकते हैं।
कि यहाँ पर गुण संधि है जो कि स्वर संधि का एक भेद है। आगे देखिए, देखिए अब यह गुण संधि के अन्य उदाहरण जिसमें आ प्लस उ बराबर ओ दिख होता है, अरुणा करुणा उत्पादक करुणोत्पादक, यथा उचित यथोचित, महा उदय महोदय महा उत्सव महोत्सव, क्षुदा उत्तेजन क्षुदोत्तेजन। और इसी तरह से देखिए अ प्लस उ बराबर ओ वाले गुण संधि के उदाहरण, जल उर्मी जल उर्मी, सूर्य ऊष्मा सूर्योष्मा, नव उढ़ा नवोढ़ा। फिर दूसरे उदाहरण है जिसमें आ और बड़ा ऊ है, गंगा उर्मी गंगोर्मी, प्र ऊढ़ प्रौढ़। यहाँ पर ओ के स्थान पर औ है, अक्ष ऊहनी अक्षोहिनी। फिर देखिए महाऊर्जा महोर्जा। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये महत्वपूर्ण उदाहरण थे गुण संधि के। अब आगे हम स्वर संधि के अन्य भेदों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।